नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनावों के बाद अब देश भर के कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज यानी कि बुधवार को बिहार की पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिस उपचुनाव में अब मुख्य तौर पर साख दांव पर लगी हुई है यहां की पूर्व विधायक और मौजूदा RJD प्रत्याशी बीमा भारती की। जी हाँ, वही बीमा भारती जिन्होंने इस साल नीतीश कुमार की JD छोड़कर RJD का दामन थामा था और RJD में आते ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना दिया था। लेकिन बीमा भारती ने पूर्णिया लोकसभा के परिणाम आने से पहले ही रुपौली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, यानी अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी, लिहाजा वो सीट खाली हो गई और वहां उपचुनाव होना था। और पूर्णिया के चुनावी परिणाम में भी बीमा भारती सबसे पीछे रह गई, यानी तीसरे नंबर पर आई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब यहां केवल बीमा भारती नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की साख भी दांव पर लगी हुई है। नीतीश कुमार की JDU के सामने अपनी जीती हुई सीट बचाने की चुनौती है, जहां से उन्होंने अपनी पार्टी के दिग्गज नेता और इंडिया गठबंधन के सामने NDA प्रत्याशी कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है। तो बीमा भारती राजद वाले इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में उतरी है। बता दें कि बीमा भारती यहां से 2020, 2015 और 2010 में JDU के टिकट पर विधायक बनी, जबकि 2005 में राजद के टिकट पर और 2000 में निर्दलीय विधायक चुनी गई थी। एक बार फिर बीमा भारती पूर्णिया के अंतर्गत आने वाली इस रुपौली सीट से चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जिस प्रकार से पप्पू यादव से, यानी कि पूर्णिया के नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद से उन्होंने समर्थन मांगा और पप्पू यादव ने भी उनका साथ देने की बात कह दी, तो उसके बाद अब उनकी जीत की संभावना यहां पर प्रबल तौर पर मानी जा रही है। बता दें कि पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल करी, जिसके साथ ही वो अपने राजनीतिक करण में छठी बार लोकसभा के सांसद बन गए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।